नमस्कार, मैं हूं मुस्कान रजवानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। तो निकाय चुनाव के प्रचार का शंखनाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में जमकर गरजे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहारनपुर विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम है और प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे देश में नजीर बन चुकी है। माफिया और अपराधी अब अतीत हो गए हैं। आज यूपी में भय मुक्त माहौल है। आगे उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 2017 से पहले की सरकारों को सहारनपुर में दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं थी। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे, बेटियों को लेकर माता पिता चिंतित रहते थे, लेकिन आज भाजपा सरकार ने भयमुक्त वातावरण दिया है। तो चलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की बड़ी बातें भी आप तक पहुंचाते हैं। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। यहां के शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, पिछली सरकारों ने उन्हें उपेक्षित किया, हमारी सरकार ने उन्हें गले से लगाया और आज यहां का कास्ट कला फिर से वैश्विक मंच पर अपनी आभा को बिखेर रहा है। कौन ऐसा घर होगा उत्तर भारत का जहां पर सहारनपुर का फर्नीचर न हो, यहां की कास्ट कला जिसके घर की शोभा न बढ़ा रही हो। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है कावड़। तो वही सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़ देखने को मिली, क्योंकि जो है एक तरफ वो निकाय चुनाव का शंखनाद सहारनपुर से करते हुए नजर आए, तो उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। तो इस दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, निकाय चुनाव के प्रचार का शंखनाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को संदेश दिया है और यूपी में कानून का राज कायम करने का दावा किया है, ये बात क्या कुछ संदेश देता है? जी मुस्कान, बता दें कि निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी। वही आज जो बता दें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पे हैं और साथ में सहारनपुर जिले के शामली और अमरोहा, ये तीनों जगह वो जनसभाएं करेंगे। वही आज बता दें 17 नगरियों का आज जो निकाय चुनाव के लेकर आज महा जो है शुरू किए हैं वो दौरा। और वही साथ में आप बता दें कि इस जनसभा में उनके साथ वही ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, वो भी अलग अलग राज्यों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और ये निकाय चुनाव जो काफी महत्वपूर्ण है। और मतलब सभी पार्टियां इस चुनाव में अपनी जोरों शोर से जो जनसभाएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और ये जो आज देख सकती है किस तरह से सहारनपुर में जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जनसभा में करते हुए उन्होंने कहा कि इस जो पश्चिमी जो हम राज्य है वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो गुंडे राज चलता था, वहाँ पे छीना झपटी होती थी, वहाँ पे भ्रष्टाचार था, तो ये सब जब से कमल खिला है तब से ये सारी चीजें बंद हो गई है और यहाँ पे एक शांतिपूर्ण जो पश्चिमी जो भाग है वो चल रहा है और यहाँ के तमाम जो जनता है आज वो खुश दिखाई दे रही है। ठीक है सुहानी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी बेल्ट के इलाकों में ये कहा है कि कानून का राज कायम है, क्या वाकई में यूपी में कानून का राज कायम है? जिस तरीके से उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस के अभिरक्षा में मौत हो जाती है, तो क्या वाकई में यूपी में राज कायम है कानून का? जी
जी मुस्कान, आपको बता दें, आप खासतौर पर देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले जो कि जितना अब भ्रष्टाचार होता था, जैसे लड़कियों के छीना जब्ती होती थी, ऐसे तमाम जो मामलाएं आती थी, अति का भी जो एनकाउंटर हुआ, ऐसे तमाम आपको 167 एनकाउंटर भी हो चुका है। तो ऐसे जो भी माफिया थे उनके बुलडोजर चलाया जाता था, ऐसे तमाम जो योगी सरकार है इसे सुविधाएं वो जो काम करती है अपराधों के, उनको जेल पहुंचाती है, उन पर कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तो कानून राज देखा जा रहा है और अपराध के जो मामले हैं कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। जी मुस्कान, ठीक है सुहानी, अभी आपने जिक्र किया कि अपराध कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अपराध कम हुए हैं? अभी बीते दिनों ही लखनऊ में हमने देखा कि एक दो स्कूटी सवार आते हैं, वो महिला से चेन खींच ले, उनके गले से चेन खींच लेते हैं। जी जी मुस्कान, वही हम आपको बता रहे हैं कि अपराध जो है कि जब से आप देख सकती हैं, जब से योगी सरकार आई है और अभी तक 2017 से लेकर 2023 कहीं ना कहीं जो पहले सब सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि जो वो अपराध था उसमें कम दिखाई दे रहा है। चाहे आप ये छोटे मोटे जो मामले हैं वो हमेशा होते रहते हैं, यानी हर प्रदेश देश में होता रहता है, तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है इस पर कार्रवाई कर रही है, इस पर लगाम लगा रही है। आप खुद देख सकती हैं इतना बड़ा जो मामला हुआ पुलिस के अति के पुलिस के घेराव में अति के एनकाउंटर हो गया, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, उस पर भी जो तीनों उनके हत्यारे हैं उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उन पर जांच हो रहा है, उन पर पड़ताल हो रही है कि आखिर उनका कहां से उनका ये साठगांठ है, कहां से उनके जुड़ाव है। तो ऐसे तमाम मामले जो है पूरे तरह से, और वहां जिसमें जो भी उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी उनको भी निष्कासित कर दिया। तो ऐसे तमाम जो योगी सरकार है अपनी जो कानून है वो दिखा रहे हैं, उस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से जो है वो कानून राज दिख रहा है यूपी सरकार में, और इसी के चलते जो है जनता उनको से साथ भी है। ठीक है सुहानी, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का एक बेहद ही बड़ा हाथ है, तो ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अतीत हो गए माफिया और गुंडे, इस बयान को आखिर किस तरीके से समझा जाए फिर? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो बीजेपी से लेकर तमाम जो जनता है वो भी इसका कहना है कि जब सपा की सरकार थी तो तमाम जो आपराधिक मामले आते थे और कहीं ना कहीं अतीक का भी मामला उसमें घसीटा जा रहा है। तो ये जो मामला है वो विपक्ष पार्टी वार पलटवार हमेशा करती रहती है, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी, तो इनका वार पलटवार करना अपना एक लगा रहता है। वही आपको बता दें, निकाय चुनाव है तो निकाय चुनाव में जो बढ़ चढ़ के जो सभी पार्टियां अपने अपने पार्टियों को सपोर्ट कर रही हैं और एक दूसरे से वार पलटवार कर रही हैं, एक दूसरे को बोल रही, तो कहीं ये जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का ये जो बयान आया है कि अतीक अपराधी, तो ये खास तौर पर कहीं देखा भी जा रहा है, क्योंकि ये जी धन्यवाद सुहानी हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता का सपना लिए आजकल सियासी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 की राह कठिन है और दिल्ली का रास्ता सभी को पता है कि यूपी से होकर जाता है, तो कोई भी नेता यूपी को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अब नीतीश कुमार लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। यूपी की राजनीति में अखिलेश को साध कर वो दिल्ली की राह आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्षी एकता के लिए नीतीश लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों उनकी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी। दरअसल सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सजा सुनाए जाने और लोकसभा की सदस्यता छीनने के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना गया। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश में विभिन्न राजनीतिक दलों को साध कर एक महागठबंधन को देश स्तर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोलकाता में दीदी यानी कि ममता बनर्जी से मुलाकात की है, तो वहीं वो आज शाम लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं।
विभांशु नीतीश कुमार जिस तरीके से बीते दिनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर आए, और अब से महज थोड़ी देर पहले वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष यानी कि ममता बनर्जी से मुलाकात करते हुए दिखे, तो वहीं आज शाम को वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। तो आखिर किस राजनीतिक प्लान के तहत जो नीतीश कुमार है वो सियासी दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ उनका प्लान होगा? मुस्कान, आपको बता दें कि जैसे राजधानी लखनऊ के मौसम का मिजाज बदला हुआ है, ठीक वैसे ही देश की राजनीति में कहीं ना कहीं राजनीतिक मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी बंगाल दौरे पर जाते हैं, जहाँ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलते हैं, और ममता बनर्जी की तरफ से कहा जाता है कि जो विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही है उसमें अब एकजुटता दिखाने का समय आ गया है। और आपको बताएं कि ममता बनर्जी की तरफ से मुलाकात में नीतीश कुमार को कहा गया कि आप बंगाल अगर बिहार के अंदर में जेपी मूवमेंट हुआ जहां से देश की दशा दिशा बदली, ठीक वैसे ही विपक्षी एकता को दिखाने के लिए आप बिहार में सभी विपक्षी दलों को एकत्रित करें, जिससे कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेहतर विकल्प बन के तीसरा मोर्चा आ सके। वहीं आपको बताएं कि इस मुलाकात के बाद आज देर शाम लगभग 6 बजे माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से ये साफ होने वाला है कि क्या जो विपक्षी एकता की एक बैठक बिहार में होने वाली है उसको लेकर अखिलेश यादव का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर देखें तो अखिलेश यादव पिछले 3 महीनों में अलग अलग राज्यों का दौरा कर चुके हैं, कई नेताओं से संवाद स्थापित कर चुके हैं। तमाम विपक्षी दलों की आपस में बैठक हुई, तमाम विपक्षी दलों के जो दिग्गज नेता है वो आपस में मुलाकात करते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान कांग्रेस को साइडलाइन भी किया गया। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार बीते दिनों कांग्रेस से मुलाकात करते हैं और अभी आज वो ममता बनर्जी से मुलाकात करें और अभी वो शाम को ही सपा सुप्रीमो से मुलाकात करेंगे, तो क्या इन तीनों को साथ लाने में नीतीश कुमार कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि नीतीश कुमार और साथ ही साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, ये तीनों की जो तिगड़ी है वो साफ तौर से तीसरे मोर्चे की कहीं ना कहीं अगुवाई करती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि आज अगर बैठक होगी तो इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और साथ ही रामचरितमानस के विवादों में सुर्खियों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। साथ ही अगर आपके सवाल पे लौटे मुस्कान, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में एक बात कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से कि क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र जो उनका क्षेत्र है वहीं रहे और अपने क्षेत्र को मजबूत करें, जिसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस जवाब का पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको साथ लेकर और उनके जो रोल है, जो उनके एक कहीं ना कहीं योगदान है, उसको साथ कब चलने में ही बीजेपी को रोका जा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो विपक्षी दलों की एकता को लेकर बैठक हो रही है, क्या इसमें कांग्रेस से कुछ संबंध स्थापित होता है, मगर वो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल विभांशु, आज जिस तरीके से नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात होनी है, तो उस बैठक को कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, इस बैठक से ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार पहले भी ये बात को कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन के तहत नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाती है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के समय देखने वाली बात होगी। मगर नीतीश कुमार एक तरफ अलग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इसमें पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, ममता बनर्जी को पहले ही अखिलेश यादव की तरफ से अगुवाई करने का न्योता दिया जा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2019 के तरह विपक्ष एकजुट होता है और वो अपने मंसूबे में कितना कामयाब होता है वो चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा, मगर इस बैठक से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक अहम तौर पर विपक्षी एकता की एक मिसाल पेश हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं नीतीश कुमार से बिहार से लगातार कोशिश की जा रही है। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे के राज्यों में पहुंचते हैं, एक दूसरे के राज्यों में पहुंचकर मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर पीएम पद के नाम की बात आएगी तो क्या उस नाम में जो एकता की बात की जा रही है क्या वो अलग थलग पड़ सकती है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं देखें तो चुनाव के नतीजों के बाद यह साफ हो पाएगा कि नेता कौन होगा थर्ड फ्रंट का, क्योंकि अखिलेश यादव की जब कार्य समिति की बैठक बंगाल में हुई उस समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि जो क्षेत्रीय दल एक बड़ा दल बन के निकलेगा उससे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अगर बात करें तो बंगाल के अंदर में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक लोकसभा हो या विधानसभा हो एक मजबूत वहां स्थापित है, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ से अपनी सारों ही सारों में कह चुकी है कि हम उत्तर प्रदेश की लगभग 80 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ चंद्रशेखर रावण और जयंत यादव और साथ ही साथ अखिलेश यादव की जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर बंटवारा होता है, और अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी को कितने सीट दिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्षी बैठक के बाद देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर बात बनी है। जी ठीक है विभांशु, दिल्ली ऐसी जगह ही है कि अक्सर नेताओं की नजर वहां पे रहती ही है, ऐसे में अभी आपने जिक्र किया कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो बंगाल में, ऐसे में ममता बनर्जी लगातार बंगाल में काफी लोकप्रिय है और हमेशा हर चुनाव में एक प्रचंड जीत भी दर्ज कराती हुई आई है, और बिहार में नीतीश कुमार के अक्सर रैलियों में देखा है उनके पोस्टर से कहीं ना कहीं वो दिल्ली जाने के संकेत देते हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो उसका रास्ता यूपी से होके जाता है। तो अगर ममता बनर्जी अपने पीएम पद की दावेदारी ठोकती है और अगर अखिलेश यादव इस पर राजी नहीं होते हैं तो फिर बीच का रास्ता किस तरीके से निकलेगा? जी अगर बात करें तो पहले विपक्षी एकता को दिखाने के लिए बिहार के अंदर में जेपी मूवमेंट के तहत वैसे ही तमाम देश भर के विपक्षी दलों को बुलाने की तैयारी है, और इसमें आगे की जो लोकसभा की लड़ाई है उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और ये भी तय किया जाएगा कि क्या थर्ड फ्रंट बनेगा या नहीं बनेगा या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं बिहार में आने वाले दिनों में तमाम विपक्षी दल बैठकर और चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्री दावेदार की अगर बात करें तो अभी कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर नहीं लगा सकते कि कौन होगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार थर्ड फ्रंट अगर बनता है, क्योंकि बैठक में हर एक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और किस तहत लोकसभा चुनाव लड़ना है इसको लेकर पूरी विचार विमर्श तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ किया जाएगा। चर्चा करना काफी ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि अभी तो फिलहाल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी एकता को दिखाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद यूपी की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ भाजपा के ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो ट्वीट किया गया और अखिलेश यादव की फोटो के साथ उसमें लिखा गया है कि अखिलेश यादव को गुंडों का सहयोग मिला है, अखिलेश यादव को गुंडों का सहयोगी बताते हुए भाजपा ने एक वीडियो डाला है, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। वही ट्वीट पर पलटवार करते हुए सपा ने कहा कि यूपी में नहीं थम रहा अपराध, योगी राज में कानून व्यवस्था बर्बाद। चलिए उन सभी ट्वीट्स पर एक नजर डालते हैं। तो गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए नाम के टाइटल का एक गाना सपा भाजपा के ट्विटर हैंडल पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं सपा ने इस वीडियो पर पलटवार करते हुए एक गाना लॉन्च किया और उस गाने में उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा पर पलटवार करने की कोशिश की है। तो गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए ये पूरा वीडियो भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, तो वहीं यूपी में नहीं थम रहा अपराध, योगी राज में कानून व्यवस्था बर्बाद। सभी पेपर की कटिंग्स लेकर के सपा ने एक वीडियो तैयार किया कि यूपी में किस तरीके से जो अपराध हो रहे हैं जो लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर सपा ने एक ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं भाजपा ने भी एक ट्वीट के जरिए गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए का वीडियो डालते हुए सपा पर एक बेहद ही बड़ा तंज कसा है। तो ट्वीट पर अखिलेश का पलटवार भी देखने को मिला है, यूपी में नहीं थम रहा अपराध, योगी राज में कानून व्यवस्था बर्बाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से सपा और भाजपा दोनों ने ही गानों के जरिए एक दूसरे पार्टी पर हमला बोला है, किस तरीके से देखा जाए इसको?
देखिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच जो है वो उत्तर प्रदेश की दो जो बड़ी पार्टियां हैं, एक सत्ताधारी पक्ष है, एक विपक्ष है। अगर बात की जाए तो दोनों में सॉन्ग वार देखने को मिल रहा है। दोनों बाकायदा ट्विटर पे एक सॉन्ग शेयर करते हैं और एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से 4 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट के माध्यम से शेयर किया गया, आज सुबह 9 बजे की बात है, जिसकी ये बोल ये थे कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। अगर बात की जाए तो अतीक अहमद और माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसी मुद्दे पर एक गाना रिलीज किया गया है ट्विटर के माध्यम से। सुबह 9 बजे 4 मिनट 27 सेकंड का एक सॉन्ग रिलीज किया गया है और बाकायदा इस पे भारतीय जनता पार्टी जो है इस ट्वीट के माध्यम से समाजवादी पार्टी पे अखिलेश यादव पे एक तरीके से आरोप लगा रही है। बाद में करीबन 2-2.5 घंटे के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इसका पलटवार करते हुए गाना रिलीज किया और कहा कि जनता को जिसने सताया है हम उसे हटाएंगे। तो दोनों राजनीतिक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, एक दूसरे पर एक अलग तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसके पहले हमने देखा है कि राजनेता जो है वो बयानों से आरोप लगा रहे थे, सदन में हमने देखा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन जो तरीका है वो अलग तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाने की बात देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने अपना एक लॉन्चिंग गीत भी लॉन्च किया था। ऐसे में आज जो सपा है भाजपा है दोनों ने एक दूसरे पर ही वार पलटवार करते हुए अपने अपने पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो लॉन्च की है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि निकाय चुनाव से पहले गानों की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग जो है जारी किया था निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन आज जो चीजें देखने को मिल रही है सपा और भाजपा में तो गानों के जरिए जो है आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। गानों के जरिए लोगों में ये बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कि किस प्रकार से सत्ता पर और सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है, अपराध मुक्त भय मुक्त वातावरण की बात करती है, उसी को जोड़ते हुए एक सॉन्ग जो है रिलीज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर बकायदा शेयर भी किया है और समाजवादी पार्टी पे कहीं ना कहीं बड़ा जो है आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के दंगे की बात यह दर्शाता है, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से जुड़ाव यह दर्शाता है और बहुत बड़ा आरोप अखिलेश यादव पे लगाया गया, एक तंज कसा गया है ट्विटर के माध्यम से। इसके बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल जागती है, तकरीबन 2.5 घंटे बाद वो भी एक सॉन्ग निकालती है और जिस तरीके से ये वाद विवाद चल रहा है गानों के प्रति तो कहीं ना कहीं थोड़ा इस राजनीतिक खेल को एक इंटरेस्टिंग जो है वो मुद्दा मिल रहा है। विवेक अक्सर हमने देखा है कि भाजपा सिद्धांतों की बात करती है और भाजपा ये कहती है कि वो सिद्धांतों की पार्टी है, सिद्धांतों पर चलती है। तो ऐसे में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पर ऐसे बयानों के जरिए एक गाना लॉन्च करना क्या शोभा देता है सत्ता पक्ष को? देखिए अगर बात की जाए राजनीति में शोभा क्या शोभनी है क्या अशोभनी है, इसकी मर्यादाएं कई बार टूटी हुई हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात कीजिए, चाहे आप लोकसभा की बात कीजिए, चाहे आप राज्यसभा की बात कीजिए, तो कई बार जो है चीजें मर्यादाओं के पार गई हैं और इस बार जो वीडियो के माध्यम से सत्ता पक्ष ने जो चीजें आरोप लगाई हैं समाजवादी पार्टी पर, उसके नेता पे, उसके सुप्रीमो पर, उसका जवाब भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उसी तरीके से दिया है। एक तरफ से अगर वीडियो जारी करके सॉन्ग के आरोप लगाया जा रहा है तो दूसरी तरीके से सॉन्ग जारी करके ही प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। सदन से लेके सड़क तो समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, तमाम कई चीजें कर रही है, तमाम बड़े प्रत्यारोप भी लगा रही है। तो निकाय चुनाव के देखते हुए अखिलेश यादव में भी एक तंज खसा है। जिस प्रकार से शाहजहांपुर में प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई, उसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं है, अपना कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो दूसरों के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और ये राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वो स्थानीय कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं का ये दोहन कर रही है। इस प्रकार के तंज जो है अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से कसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
प्रयागराज में अतीक के चकिया वाले दफ्तर में खून से सने कपड़े और चाकू मिले हैं, जबकि दफ्तर की सीढ़ियों पर भी खून के लाल धब्बे मिले हैं। वहीं इस दफ्तर पर 2017 में बुलडोजर भी चला है, तब से ये दफ्तर वीरान पड़ा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी इसी दफ्तर पर हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को कैश भी मिला था। पुलिस द्वारा एक बार फिर जांच में दफ्तर से खुल रहे राज कि आखिर ये खून किसका है। तो चकिया दफ्तर में जब आज पुलिस पहुंची तो उस दौरान पुलिस को उस दफ्तर में खून के कई निशान मिले, दीवारों पर खून के निशान। तो वही इस दफ्तर के अंदर कपड़े भी मिले हैं, खून से सने हुए सफेद दुपट्टे, और उसी दुपट्टे के पास में ही एक चाकू भी मिला है, वो भी खून से सना हुआ है। तो चकिया दफ्तर में लगातार जांच चल रही है, क्योंकि ये वही दफ्तर है जो 2017 में जिस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया, कुछ हिस्से को तोड़ा गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस ऑफिस को तैयार किया गया है वो मानकों के खिलाफ जाके तैयार किया गया है, तो जिसके बाद कुछ हिस्से को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बना हुआ था, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब छापेमारी की गई तो कैश बरामद हुआ। तो वहीं अब इसी ये वही ऑफिस है जहां पर अतीक और अशरफ का ये ऑफिस बताया जा रहा है, जहां पर खून से सनी हुई दीवारें मिली हैं, खून के धब्बे मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, ये अतीक का वही टॉर्चर रूम है जहां पर गुंडों को रखा जाता था, आम आदमी को टॉर्चर किया जाता था, लोगों को परेशान किया जाता था, तो आज उसी टॉर्चर में खून के निशान मिले हैं, आज उसी टॉर्चर रूम में खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। इस मामले पर क्या कुछ खुलासा करते हुए नजर आ रही है पुलिस? जी बिल्कुल मुस्कान, ये अतीक का चकिया स्थित वही कार्यालय है जब अतीक जी पवन पता नहीं क्या हो। तो पवन सम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अतीक का चौकिया स्थित वही ऑफिस है जिसे टॉर्चर रूम भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर अतीक लोगों को टॉर्चर किया करता था, लोगों को मारा पीटा करता था, क्योंकि जब वो लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था और जब उसी कब्जेधारी जो है जब अपने सवाल लेकर पहुंचते थे कि आखिर कब्जा क्यों किया गया, तो अतीक उनको यहीं पर लाता था और यहीं पर मारता था। अतीक के गुर्गे अक्सर लोगों को यही परेशान किया करते थे, और कहा जाता है कि ये वही टॉर्चर रूम है जहां पर उमेश पाल का अपहरण करके उसको लाया गया था। 2006 की बात है जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था, तो ये वही टॉर्चर रूम है जहां पर उमेश पाल को लाया गया था। तो उसी टॉर्चर रूम में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद कई खून से सने हुए निशान मिल रहे हैं, ऐसे में शाइस्ता परवीन जो है वो फरार बताई जा रही है। तो क्या ये खून कहीं शाइस्ता परवीन का तो नहीं है, क्योंकि अब तमाम सवाल भी लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अतीक का ये वही टॉर्चर रूम है जहां पर लोगों को तमाम तरीके की यातनाएं दी जाती थी, लेकिन अब उसी टॉर्चर रूम में खून के निशान मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं, टूटी चूड़ियां मिली हैं और खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। इस मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल मुस्कान, ये अतीक अहमद का चकिया स्थित वही कार्यालय है जब अतीक राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हुआ करता था। हालांकि बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल हत्याकांड का घटने का अंजाम दिया गया, उसके बाद से पुलिस ने जब छापेमारी की थी तो इसी कार्यालय से करीब 74 लाख रुपए नगद तथा करीब दर्जनों असलहे बरामद हुए थे। ठीक है, आज की अगर बात की जाए तो आज इसी कार्यालय में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो एक नए घटना की ओर इशारा कर रही हैं। वहां पर एक चक्कू मिला है तथा कई जगह पर खून के निशान मिले हैं। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का यह दावा है कि पूरे मामला का खुलासा किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीते सन 2017 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा इस पे बुलडोजर चलाया गया था और यह कहा गया था कि ये मानकों के विपरीत बनाया गया है, ऐसे में खंडहर नुमा कार्यालय में इस तरह की चीजें मिलना वो कहीं ना कहीं एक ठीक है पवन, आज उसी कार्यालय पर खून के निशान मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं, तो ये खून के धब्बे और खून के निशान कितने पुराने बताए जा रहे हैं, इसको लेकर पुलिस क्या कह रही है? हालांकि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जांच पड़ताल के दौरान वहां पर देखा गया है तो वहां पर कुछ टूटी फूटी चूड़ियां तथा कुछ महिलाओं से संबंधित कुछ कपड़े एक दो मिले हैं। ठीक है, एक छोटा चाकू मिला, और जो चाकू की अगर बात करें तो चाकू भी ऐसा नहीं है जिससे किसी की हत्या की जाने जैसी तस्वीर उसमें दिखे, लेकिन मौके पर चाकू मिलना, खून के निशान मिलना, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं।
और इसी कार्यालय पर बीते दिनों पहले पुलिस के टीम को करीब 74 लाख रुपए नगद मिले थे और उसमें दर्जनों असलहे भी पुलिस ने बरामद किए थे। हालांकि पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है और देर शाम तक पुलिस ने दावा किया है कि देर शाम तक पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा कि आखिर वहां ठीक है किस तरह की पवन के वही कार्यालय है जो उमेश पाल हत्याकांड का जब अपहरण किया गया था तो ये भी कहा गया था कि उमेश पाल को यही रखा गया है और 2017 में इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उसके बाद पुलिस ने इस पर बुलडोजर भी चलाया। लेकिन अब जिस तरीके से इस कहा जाए कि इस ऑफिस में खून के धब्बे मिल रहे हैं और ऐसे में शाइस्ता परवीन भी फरार बताई जा रही है तो क्या इंडिकेशन समझा जाए इसे? चूंकि देखिए अगर उमेश पाल और अतीक अशरफ हत्या की बात करें तो यह बहुचर्चित हत्याकांड है। हालांकि इसमें तमाम तरह की बातें हैं, जो तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड से लगातार फरार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अतीक के उसे कार्यालय में आज इस तरह के खून के धब्बे मिलना, चूड़ियां मिलना, चक्कू मिलना, पता नहीं क्यों अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि उस पर किसी जानवर का भी खून हो सकता है, लेकिन चूड़ियां मिलना और चक्कू मिलना वो किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कहा तो यह भी जाता है कि अतीक अहमद का वही कार्यालय है, जब अतीक अहमद का रसूख हुआ करता था तो उसी कार्यालय में टॉर्चर रूम भी बनाया गया है जहां पर लोगों को पकड़ कर लाया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनसे रुपए वसूले जाते तो उनको तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से 2017 में इस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया था, हालांकि अभी पूरी तरीके से एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो ये वही कार्यालय था जहां पर छापेमारी की गई, कैश बरामद हुआ, असलहे बरामद हुए और जाहिर सी बात है कि वहां पुलिस की तैनाती भी रही होगी अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद। तो इस पूरी इस उस ऑफिस से ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, खून के धब्बे मिल जाते हैं, तो क्या पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल मुस्कान, यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि जब उमेश पाल हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद से अतीक के इसी कार्यालय में करीब 74 लाख रुपए नगद, तमाम असलहे मिलना और इस तरह की तस्वीरें वहां पर दिखना, निश्चित रूप से पुलिस को उस कार्यालय पर पहले भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि जिस तरीके से वहां पर ये चीजें बरामद हुई, चाहे वो पैसे की बात की जाए, चाहे हथियारों की बात की जाए, उसके बाद से लगातार वहां पर पुलिस की कोई टीम तैनात नहीं है। ऐसे में आज इस तरह की तस्वीरें वहां पर दिखना निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और आने वाले दिनों में बड़ी घटना की ओर भी इशारा कर रहा है। हालांकि पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही है, अब इस पर किस तरीके की पुलिस खुलासा करेगी ये चौंकाने वाला तथ्य साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद तो हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार जहां दो SIT का गठन किया गया, उस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही अब अतीक के चौकिया स्थित कार्यालय पर खून के निशान मिले हैं, खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, टूटी हुई चूड़ियां मिली है। ऐसे में शाइस्ता परवीन भी लापता बताई जा रही है और कई अनहोनी की घटनाएं भी अब लगातार जताई जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से टूटी हुई चूड़ियां कार्यालय पे मिली, खून के निशान मिले हैं, अब ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि ये खून किसका है और किसका नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस कार्यालय पर खून के निशान मिले हैं, खून से सने हुए कपड़े मिले हैं, ये कहीं ना कहीं एक बेहद ही बड़ी अनहोनी की ओर आशंका करता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो